क्रिकेटर से नेता बने गौतम गंभीर ने पूर्वी दिल्ली के युवाओं के हुनर को तराशने के लिए बड़ी कोशिश की है। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की कोशिश से आईपीएल की तर्ज पर पूर्वी दिल्ली में ईडीपीएल की शुरुआत की गई है। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग का शानदार आगाज हो चुका है। पूर्वी दिल्ली की सभी 10 विधानसभाओं की टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। पहले मैच के लिए विश्वास नगर डिविल्स और गांधी नगर के बीच टॉस हुआ है। विश्वास नगर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी है। पहली बार पूर्वी दिल्ली में आईपीएल की तर्ज पर फ्लड लाइट के नीचे ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन हो रहा है। कई दिनों से इसकी तैयारी की जा रही थी। इस मौके पर सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि इस लीग में ऐसे खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं जिनके पास ट्रेनिंग के लिए ना तो पैसे थे ना ही पर्याप्त सुविधाएं थी, लेकिन अब इस लीग के माध्यम से हर खिलाड़ी अपने टैलेंट को निखारेगा। ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग ऐसे खिलाड़ियों के सपनों को साकार करेगी। जब मैंने शुरुआत करी थी तो ऐसा कुछ मंच हमारे को मिलता, क्योंकि उस टाइम पर ऐसे मंच मिलते नहीं थे। और मैंने आपसे पहले भी बात करी थी जब हमने लॉन्च की थी ट्रॉफी, कि ये ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग उन बच्चों के लिए जिनके पास इतने भी साधन नहीं है कि वो किसी एकेडमी में जा सकते हैं या फिर वो सफ़ेद कपड़े खरीद सके या जूते खरीद सके। अगर आप इधर बच्चों को देखेंगे जो सिलेक्ट हुए हैं, कोई रेडी लगाता है, कोई पेपर बेचता है, ये जिनके घर में माता पिता नहीं है, तो उन खिलाड़ियों के लिए, उन बच्चों के लिए मंच तैयार किया गया है कि वो यहाँ पर खेल के जब निकलें तो एक बेहतर इंसान बन के निकलें। देखिए, जीतेगी एक ही टीम जीतेगी, ऐसा नहीं है कि 10 की 10 टीम जीत जाएंगी, लेकिन जब वो यहाँ से निकले, एक एक्सपीरियंस लेके निकले कि ऐसे इंटरनेशनल फैसिलिटी जैसे मैदान में खेल के आपको क्या अनुभव मिलता है। ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं दिल्ली में क्रिकेट बेहतर करूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी DDCA की है। हिंदुस्तान में क्रिकेट बेटर करना BCCI की है। मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ईस्ट दिल्ली में, जो युवा हैं वो बेहतर बन के निकले, बेहतर इंसान बन के निकले, उनके पास एक ऐसा मंच हो कि जहाँ पर वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने बोला, अगले साल हम और बड़ा करेंगे इसको, लेकिन इस साल ये अभी शुरुआत हुई है। जो भी हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि अकेले आप इस तरीके का मंच नहीं तैयार कर सकते। और जैसे अगर आप बच्चों की स्टोरीज भी सुनेंगे तो वह बेहतरीन स्टोरी है। हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी है और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो सेलेक्टर्स थे उन्होंने बिल्कुल ऑनेस्टी से काम किया, किसी भी कोई भी अप्रोच नहीं रखी गई। इसलिए ऐसे बच्चे हैं जो कोई रेडी लगाता है, कोई अखबार बेचता है, शायद उनको कभी भी ऐसे मंच पे खेलने का मौका ही ना मिलता। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।